अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब चिकन क्रिस्पी। झटपट और आसानी से तैयार होने वाली ये रेसिपी है। जैसे कि आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह हमारी चिकन क्रिस्पी तैयार हुई ना, झटपट और आसानी से। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इस तरह का मैंने चिकन ले लिया है, चिकन ब्रेस्ट, और उसके इस तरह लंबे लंबे पीस बना लिए। इसे मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। अब इसे हम दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि ये बाउल है ना छोटा लग रहा है मुझे, मैं मसाले मिक्स करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने बड़े बाउल में डाल दिया है। अब उसमें हम ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक और एक चम्मच भर के अदरक लहसुन पाउडर। आप चाहो तो पेस्ट भी इसमें डाल सकते हो। उसमें आधा चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसमें हम ऐड करेंगे दो चम्मच सोया सॉस और दो चम्मच वाइट विनीगर। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसकी अच्छी तरह हम कोट कर लेंगे उसे। अब इसमें हम ऐड करेंगे दो चम्मच भर के मैदा और दो चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम एक चम्मच रेड चिली सॉस डाल देंगे और उसे हाथों की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे, क्योंकि मैं स्टार्ट में डालना भूल गई थी, इसलिए मैं अब डाल रही हूँ। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे, आप चाहो तो डालें वरना स्किप भी कर सकते हो। और इसे मैरिनेट के लिए एक घंटा दो घंटा जितना भी अपने आपके पास वक्त हो उतनी देर इसे ढककर रख दे। दो घंटे हो चुके, हमारा चिकन भी अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब उसके पीसेस उठाकर हम इस तरह तेल में डालते जाएंगे। थोड़ा आराम आराम से रुक रुक कर डालें, वरना एक दूसरे को चिकन चिपक सकता है, इसलिए थोड़ा फ्राई होने के बाद दूसरा पीस डालेंगे हम। इस तरह एक पीस थोड़ा फ्राई होने के बाद हम दूसरा पीस डालते जाएंगे। इससे क्या होगा, एक दूसरे को हमारे पीसेस नहीं चिपकेंगे। इस तरह हम आराम से डालकर उसे अच्छे से फ्राई करेंगे, और हमें फ्लेम मीडियम ही रखनी है। मीडियम फ्लेम पर बहुत ही आराम से अच्छी तरह क्रिस्पी होने तक हमारे चिकन को हम फ्राई करेंगे। मुझे फ्राई करने के लिए सिर्फ 2 से 3 मिनट लगे थे। जैसे कि आप देख सकते हो कितने क्रिस्पी हमारे चिकन फ्राई हो चुके हैं ना। हमारा चिकन भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, उसे जैसे कि आप देख सकते हो अच्छी तरह हमने फ्राई कर लिया है, और उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी का भी चिकन सब फ्राई कर लेंगे, अच्छा क्रिस्पी होने तक हम इसे फ्राई करके निकाल लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे हम, उसमें दो चम्मच ऑयल डालेंगे, एक चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन और एक चम्मच चॉप किया हुआ अदरक और एक बड़ी प्याज, इस तरह बड़ी बड़ी कट कर ली है, उसे फ्राई कर लेंगे। उसका जो मॉइस्चर है ना अच्छे से निकल जाए तब तक हम उसे फ्राई कर लेंगे। एक शिमला मिर्च को भी इस तरह लंबे लंबे पीस बनाकर हम उसे फ्राई कर लेंगे, उसे भी 1 से 2 मिनट तक हम उसे फ्राई करेंगे। अब उसमें हम ऐड करेंगे प्याज की पत्ती, जो प्याज होती ना स्प्रिंग ऑनियन, वो इसमें डाल देंगे और उसे भी हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। जब तक सॉफ्ट ना हो जाए हमारी सब्जियाँ तब तक हम उसे फ्राई कर लेंगे। हमारे सब्जियाँ भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब उसमें हम ऐड करेंगे एक चम्मच भर के सोया सॉस और एक चम्मच भर के वाइट विनीगर और 3 से 4 चम्मच टमाटो सॉस। इसे हम पहले से अच्छे से निकाल लेंगे। अब उसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच रेड चिली सॉस, आपको तीखा जितना चाहिए वो हिसाब से आप डाल लें, और उसे 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। एक बाउल में हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को पानी में डाल के उसका घोल तैयार कर लेंगे। अब वो घोल भी हम कढ़ाई में डाल देंगे और उसे पकने देंगे 1 से 2 मिनट तक। उसका कच्चापन निकल जाए ना तब तक हम उसे
अच्छे से भून लेंगे। इस तरह हम चम्मच चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर ही उसे पकने देंगे। हमारी सब्जियां भी अच्छे से पक चुकी है। अब उसमें हमने फ्राई किया हुआ चिकन डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसे सब मसाला अच्छे से कोट कर लेंगे। सब मसाला हमारे चिकन को अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। इस तरह हम उसे अच्छे से कोट कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे। हम लो फ्लेम पर ही अच्छी तरह 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे। उसमें नमक ऐड करेंगे थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से। मुझे थोड़ा कम लगा इसलिए मैं इसमें थोड़ा नमक डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए अब इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह हमारा चिकन क्रिस्पी तैयार हुआ ना, देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है ना। बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी तैयार हुई। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तैयार हो चुकी है हमारी चिकन क्रिस्पी, बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब तैयार हुई। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।